तो हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू फोर्स 400mg टैबलेट के बारे में। तो इसे मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर जो ऐड किया गया मॉलिक्यूल, ये वेल ट्रस्टेड मॉलिक्यूल है। हर डॉक्टर इसे प्रिफर करते हैं। जैसे कि इसके अंदर ऐड किया गया फ्लुकोनाजोल 400mg, और इसका वन स्ट्रिप में वन टैबलेट रहता है, जिसकी कॉस्ट रहती है 26 रुपया। तो न्यू फोर्स 400mg टैबलेट किन समस्याओं में डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, या कब इसे आपको लेना चाहिए, और जब आप इसे लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या साइड इफेक्ट देखने को आने वाले हैं, कैसे लेना चाहिए, किस तरह की स्किन कंडीशन में, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर और भी आप चाहते हैं, बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो न्यू फोर्स 400mg जो टैबलेट है, इसे इन समस्याओं में दिया जाता है। जैसे कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, आपके गले में, आपके मुंह में हुआ है, या जैसे कि आपके प्राइवेट पार्ट वजाइनल पार्ट में, या जैसे कि आपके पेनिस पार्ट में, या जैसे कि आपको टॉय नेल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे नाखून, उंगली के नाखून में, जैसे पाँव के नाखून में आपको इन्फेक्शन हुआ है फंगाई, या आपके फिंगर नेल यानी आपके उंगली में अगर कहीं फंगाई इन्फेक्शन हुआ है, तब इसे दिया जाता है। तो अगर इस मॉलिक्यूल का वर्किंग के बारे में जानते हैं, तो ये क्या करता है, जो फंगाई रहता है उसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से फंगाई मर जाती है और जिसकी वजह से आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगता है। तो अगर फ्लुकोनाजोल का डोजिंग के बारे में बात करें न्यू फोर्स 400mg टैबलेट का, मोस्टली अगर आपको जैसे माउथ या थ्रोट या वेजाइनल इन्फेक्शन या पेनिस इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके अंदर आपको लगभग आपको 1.5 महीना तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। या जैसे कि आपको दांत का खुजली हुई है, तो उसमें आपको लगभग 2 महीने के ऊपर भी चलता है। तो अगर इसके डोजिंग के बारे में बात करें, तो इसका वन टैबलेट आपको 1 वीक में एक ही टैबलेट लेना रहता है। और जैसे कि आज आपने गुरुवार को लिया या मंडे को लिया, तो नेक्स्ट वीक में वही सेम डेज को ही लेना रहता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, इसका बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में डिस्कस करें। अगर आपको जैसे कि दांत का खुजली हुई है, और आपको जैसे कि आप तो अंदर से उसे प्रिवेंट कर ले रहे हैं, तो जैसे आपको टॉपिकली भी प्रिवेंट करना है, तो नियोफाइन डस्टिंग पाउडर, ये केलम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जाता है, ये आपको ऊपर से छिड़काव करना चाहिए। जैसे कि आपको दांत खाद खुजली हुई है, तब इसे एक्सटर्नली आपको यूज करना है, इंटरनली नहीं यूज करना है। तो अगर आप वीडियो और चैनल पे पहली बार विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें।